गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं हमेशा की तरह लेट उठाऊं अपना, और कितने बजे उठाऊं फिर भी, एक सेकंड भाई, हमेशा से ज़्यादा ही लेट उठाऊं मैं 10:30 बजे तक उठ जाता हूं, आज मैं 11 बजे उठाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, करना ही क्या है, एक आध गाड़ी चुराएंगे और अपनी मस्त जिंदगी चलती रहेगी। फिलहाल मैं एक नई SUV परचेज करके लाया हूँ गाइज, जरा मैं तुम लोगों को, रुक जाओ भाई, वो नई वाली SUV दिखाता हूँ। बाहर ही खड़ी है, मतलब बाहर खड़ी नहीं है, अपने गैराज में खड़ी है। जरा ओपन करते हैं इसे। ओके, वेट। तो ये रही अपनी बेहतरीन सी एक SUV। आई नो कलर उतना इसका परफेक्ट नहीं है, या फिर ठीक ही है, बट हाँ, नॉर्मल सा कलर है, यूजुअल सा, कुछ एकदम अलग हटके, कुछ डिफरेंट सा नहीं है, कुछ यूनिक सा नहीं है, बट स्टिल SUV बढ़िया लग रही है। और मैंने इसे सस्ते में ही खरीदा है यार, ज्यादा महंगे में नहीं पड़ी अपने को। ऐसे मैं गया था साइमन के शोरूम पे, मेरे मन में मैंने सोच रखा था कि मैं एक बढ़िया सी कोई तो स्पोर्ट्स कार या तो सुपर कार खरीद के लाऊंगा, लेकिन भाई वहां पर पसंद ही नहीं आ रही थी मुझे कोई स्पोर्ट्स कार या सुपर कार। बड़ी मुश्किल से बहुत ही बेहतरीन सी स्पोर्ट्स कार पसंद आई थी मुझे, लेकिन भाई साहब साइमन ने जो प्राइस बोला उसके बाद मेरी हालत खराब हो गई। वो प्राइस उसने बोला भाई सीधे 15 करोड़ का। यस, लिटरली में 15 करोड़ का प्राइस बोला यार उसने। भाई मेरा घर 25 करोड़ का है और मैं गाड़ी 15 करोड़ की खरीदूं, कोई बात होती है? और वैसे भी मेरे पास 15 करोड़ है भी नहीं, तो इसलिए मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया गाइज, और ये 50 लाख की SUV लेकर आ गया मैं। ठीक है, बढ़िया है ये। वैसे यार मन तो मेरा कर रहा था उस स्पोर्ट्स कार को खरीदने का, लेकिन 15 करोड़ का जुगाड़ कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे लेस्टर ने मुझे बुलाया था गाइज, मैंने उससे ये बात बताई कि भाई मेरे को स्पोर्ट्स कार खरीदनी है 15 करोड़ की, और मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ हेल्प कर सकता है, कुछ आइडिया है तेरे पास 15 करोड़ जल्द से जल्द कमाने का? तो लेस्टर ने मुझे एक बहुत ही बढ़िया आइडिया बताया। अभी आइडिया बताया नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आओ मुझसे मिलने के लिए। तो बस अब मैं जा रहा हूँ भाई उससे मिलने के लिए ही। फिलहाल एक डुबकी मार ली जाए, पानी के अंदर नहा लिया भाई, चलो फटाफट से निकलते हैं। एक सेकेंड, तुम लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की है भाई मेरे घर के अंदर? मेरा घर ठीक है, इतना बड़ा है, 3-4 साल हो गए इस घर में रहते हुए। ये घर मैंने 25 करोड़ का खरीदा था 3-4 साल पहले, ठीक है, बहुत ही बढ़िया घर है, एकदम मॉडर्न हाउस है, आज भी पुराना नहीं लगता है, एकदम नया लगता है ये किसी भी एंगल से, इतना परफेक्ट घर लॉस सैंटोस में भाई किसी के पास नहीं है, जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, पीछे की तरफ गार्डन भी है, आगे इतनी खाली जगह है, फिर उसके बाद इतने टॉप पे है ये घर, और 2 मंजिल का ये घर है, पार्किंग भी है, और यहाँ पर एक जकूजी भी है, इतना परफेक्ट घर कहीं पर भी नहीं है। और मैं इस घर में 3-4 साल से रह रहा हूँ, और मैंने पूरा घर अपना देख रखा है, घर का एक एक कोना देख रखा है, लेकिन मैं सोचता हूँ भाई मैंने ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे को कभी ओपन नहीं किया है, इसके पीछे कोई ना कोई तो रूम है गाइस, तुम लोग खुद देखो, ये दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर ये बॉक्स सा बना हुआ है, लेकिन इसके नीचे एक्चुअल में है क्या ये? तो अब फिलहाल ये दरवाजा खुलेगा तभी पता चलेगा। हो सकता है भाई यहाँ रोड के नीचे ही कुछ हो, क्योंकि देखो ऊपर आते ही यहाँ पर रोड है, और रोड के नीचे ही ये दरवाजा कनेक्ट हो रखा है, इसका मतलब इस दरवाजे के उस पार कुछ तो सीक्रेट जगह होने वाली है, लेकिन क्या यही पता करते हैं। चलो भाई, लेकिन कैसे पता करूं मैं, ये दरवाजा खुल भी तो नहीं रहा। एक सेकंड, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत तरीके हैं खोलने के। शूट, कम ऑन, अरे यूं खोल दूंगा मैं एक सेकंड में, तुम लोग देखो भाई कैसे दरवाजे को फटाक से खोलता हूं मैं। यार फटाक से खोलने की बात कर रहा था, दरवाजा खुलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, मेरी यहाँ पर पिस्टल की सारी गोलियां भी खत्म हो जाएंगी यार, इस दरवाजे पे कुछ फर्क पड़ भी रहा है नहीं। ये दरवाजा मेरे घर में पता नहीं कितने सालों से लगा पड़ा है, लेकिन मैंने कभी भी इस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश नहीं की है। ओए दरवाजे के उस पर कुछ पैरानॉर्मल चीजें ना निकल जाए, हालत खराब हो जाएगी मेरी। भाई पूरा डिजाइन बना दिया मैंने दरवाजे के चारों तरफ, फिर भी नहीं खुल रहा ये दरवाजा। रुको, ये लगता है पिस्टल के बस की बात नहीं है, मुझे अपनी शॉटगन निकालनी पड़ेगी। लेट्स गो, फायर, खुल जा दरवाजे, खुल जा फटाफट, खुल जा भाई। अरे नहीं खुल रहा यार, इसके उस पर है क्या, कुछ दिखता भी तो नहीं है। एक सेकंड गाइस, देखने की कोशिश करता हूँ मैं, कैसे देखूं। अरे खुल जाना, रुको मैं अपना सर दे के मारता हूँ इसमें, तब शायद खुल जाए। ओके लेट्स गो, नहीं खुल रहा है ये, लेट मी ट्राई वंस अगेन। ओके गो, नहीं खुल रहा है यार, मैं अपना सर दे के मार रहा हूँ भाई। ओके
ओके लेट्स गो। नहीं खुल रहा भाई, ये कुछ भी कर लूं मैं आज, ये दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ अलग, कुछ तो अलग करना पड़ेगा गाइस इस दरवाजे को ओपन करने के लिए। मैं भाई लात ही लात बरसा रहा हूं इस पे, फिर भी नहीं ओपन हो रहा है ये। रुको 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 रुको, आज तो इस दरवाजे के उस पार क्या है मैं देख कर ही रहूंगा। मेरे को इस घर में रहते हुए इतने साल हो गए हैं, घर का एक एक कोना अच्छी तरीके से मुझे पता है। ये देखो यहाँ पर अपनी पार्किंग है, अपना गैराज है, फिर इसके बाद इधर की तरफ ये सब कोना है, अपना सामान पड़ा हुआ है, ये स्पेयर व्हील्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये अपना घर है, यहाँ पर ये डस्टबिन है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा घर है, यहाँ पर अपना सामान किताब, यहाँ पर सोफा, उधर डाइनिंग टेबल, सब कुछ पता है मुझे अपने घर का एक एक कोना। लेकिन वो जो जगह है वहां पर वो दरवाजा किस लिए है, इसके बारे में आज तक ना मैंने कभी सोचा और ना कभी इस बात पे ध्यान दिया। अचानक से लेस्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और तभी मेरी नजर गई। वैसे नजर तो मेरी रोज जाती थी भाई, लेकिन मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया, कुछ भी हो उस पर मुझे क्या। लेकिन आज मेरे को जानना है भाई, आज मैं फुल एक्साइटेड हूं कि आखिर में इस दरवाजे के उस पर है क्या। अब कुछ भी हो जाए ओपन तो करके रहूंगा मैं। एक काम करते हैं, जरा वेपन्स लेने के लिए चलते हैं। यस, मेरे पास ये जो पिस्टल है, शॉटगन है, शायद इनके बस की बात नहीं है इस दरवाजे को ओपन करना। इस दरवाजे को ओपन करने के लिए मुझे तगड़े तगड़े और खतरनाक वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। लेस्टर से मीटिंग करने के लिए बाद में चलेंगे, अभी तो फिलहाल मैं चला भाई वेपन स्टोर कुछ एपिक और तगड़े वेपन्स लेने के लिए। ये पुलिस वाले किसके पीछे पड़े हैं भाई, चोर है क्या पुलिस वाले भाइयों? चोर है, रुक जाओ अभी पकड़ता हूँ मैं। ओए रुक बे चोर के बच्चे, रुक जा, पकड़ लिया सर, पकड़ लिया। ओ गोली चला रहा तेरी ऐसी की तैसी। ओके पुलिस वालों ने ही निपटा दिया इस टकले को, तो मैं क्यों पंगे ले रहा हूँ यार, पुलिस वालों का काम है अपना पकड़ते रहे उस चोर को, मुझे क्या। मैं निकलता हूँ वेपन स्टोर पे और जल्दी से तगड़े तगड़े वेपन्स लेकर आता हूँ। मेनली मुझे स्टिकी बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स पे ज़्यादा विश्वास है यार, और किसी पे तो नहीं है। स्टिकी बॉम्ब्स बहुत पावरफुल होते हैं, ग्रेनेड्स भी बहुत पावरफुल होते हैं। मुझे लग रहा है मेनली यही दोनों मेरी हेल्प करने वाले हैं इस दरवाजे को ओपन करने में। तो चलो फिर वेपन स्टोर आगे आगे की तरफ जाना पड़ेगा, आगे से एक राइट कट। भाई कोई बंदा नहीं होगा दुनिया में ऐसा जिसने अपने घर के अंदर कोई दरवाजा 3-4 साल से खोला नहीं हो। बताओ भाई मैं उस घर में कितने सालों से रह रहा हूँ, आज तक कभी मैंने नोटिस ही नहीं किया, कभी ओपन भी नहीं करके देखा आखिर उस डोर में है क्या। क्या पता कोई लाश वाश छुपी हो सकती है जिसका पहले का घर हो, उसने किसी को मार के उधर छुपा रखा हो, कुछ भी हो सकता है भाई। कोई कल को भूत निकल के आ जाए उधर से, क्या पता। लेकिन जो भी हो मैं आज रिस्क लेने वाला हूँ और उसको ओपन करके रहूंगा। भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाले वेपन्स दो मुझे, दरवाजा ओपन करना है, जल्दी से दो। वेपन्स मैंने खरीद लिए, बहुत सारे बल्कि खरीद लिए, मेनली मैंने स्टिकी बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड्स पर फोकस किया है क्योंकि यही मेनली है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता वेपन्स में गन्स वगैरह से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है उस वाले डोर के ऊपर। उस डोर में कोई ना कोई तो सीक्रेट छुपा हुआ है जो मेरी नज़रों से बच गया है, लेकिन आज नहीं, आज तो मैं उस डोर को ओपन करके ही रहूँगा और देख के रहूँगा आखिरकार उसमें है क्या। क्या पता भाई अपनी किस्मत अच्छी रही तो भूत वगैरह की बजाय खजाना भी मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई मेरी किस्मत का। ओके ओके आ गए, हट जाओ भाई। और ड्रिफ्ट, अबे यार ड्रिफ्ट में भी ये एसयूवी ठुक जाती है, इसलिए तो मेरे को ये उतनी कुछ खास पसंद नहीं थी। जो स्पोर्ट्स कार मुझे पसंद थी वो मिली ही नहीं, 15 करोड़ मांग रहा साइमन का बच्चा। ओके चलो अबे इस गाड़ी को मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ, पता चला उधर बॉम्ब वॉम्ब मैं ब्लास्ट कर रहा हूँ और बॉम्ब्स के कुछ चिंगारी विंगारी भाई इधर आ गई, मेरी नई नवेली 50 लाख की गाड़ी चली जाएगी। माना मेरे को ये पसंद नहीं थी, बट स्टिल यार पैसे तो लगे हैं इस पे भी, इसको तो बचाना ही पड़ेगा। चलते हैं अब अंदर, सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे इस ग्रेनेड लॉन्चर से, बहुत ही खतरनाक होते हैं ये, जैसा कि पीछे देख सकते हो बहुत ही तगड़ा धमाका होगा। अबे हुआ क्यों नहीं धमाका, अबे सस्ता वाला ग्रेनेड लॉन्चर दे दिया क्या, हेलो। अरे धमाका होना चाहिए था, अरे धमाका हो भी रहा है नहीं, कैसे लोकल से धमाका हो रहा है ये। रुको क्या, ओ तेरी, ओ हो रहा है, पता चल गया हो रहा है धमाका हो रहा है। अब उस दरवाजे को मेर से कौन बचाएगा, लेट्स ओपन दैट दरवाजे। तू तो गया भाई, ये लॉन्च किया है ग्रेनेड और ये दरवाजा, ओह काफी ज्यादा डैमेज हुआ है देखो, काला काला सा हो गया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा यार। बहुत सारे, रुक जाओ मैं लॉन्च कर देता हूँ, लॉन्च बल्कि करता चला आता हूँ, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। अबे यार सिर्फ 10 और ग्रेनेड लॉन्चर में ग्रेनेड्स बचे हैं, भाई मैंने कितने खर्च कर दिए यहाँ पे। अबे कुछ हो भी रहा है उस दरवाजे को, बस मैं ग्रेनेड्स ही ब्लास्ट किए जा रहा हूँ, उस दरवाजे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस। लो भाई मेरे सारे ग्रेनेड्स खत्म इस ग्रेनेड लॉन्चर के, कुछ नहीं हुआ इसको तो। भाई किस चीज से दरवाजा बनाइए, कोई तो खोलो इस दरवाजे को।
तो और शक मेरा यकीन में बदलने लग गया है। कुछ पैरानॉर्मल चीजें तो नहीं है दरवाजे के पीछे? हो सकती है। अब खोलो कोई दरवाजा, रुको मेरे पास मशीन गन है। कम ऑन, खोलो दरवाजा, थोड़ा पास से चलाते हैं। और बताओ, खोलो इधर, इधर होता है ना भाई लॉक इस दरवाजे का। ओपन प्लीज, प्लीज ओपन इट। मेरी मशीन गन की 500 से ज्यादा गोलियां भी खत्म हो गई, लेकिन ये नहीं ओपन हुआ। फायरवर्क लॉन्चर, इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, कुछ खास फर्क नहीं है। होमिंग लॉन्चर, ओ इसका ब्लास्ट थोड़ा बड़ा है, पीछे चल के फायर करते हैं। होमिंग लॉन्चर भाई ये काम आता है रॉकेट वगैरह प्लेन वगैरह गिराने के। सोचो इतने बड़े बड़े व्हीकल भी आसमान से नीचे धाराशाही हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है यार इस दरवाजे के ऊपर। क्या ही लॉन्च करूं फिर मैं? अरे क्यों नहीं ओपन हो रहा ये दरवाजा? अबे ओपन हो जा, इसकी ऐसी तैसी क्यों नहीं ओपन हो रहा? रुको मेरे पास आरपीजी भी है। लॉन्च, मैं आरपीजी का भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई इस दरवाजे पे, क्या एक दरवाजा है ये? रुको रुको, अभी हार मानने वालों में से तो मैं हूं ही नहीं भाई। कुछ भी हो जाए आज तो ये दरवाजा ओपन होके ही रहेगा, और क्या इसके पीछे हम सबको पता डेफिनेटली लगेगा। बस एक बार, बस एक बार ये ओपन हो जाए। नहीं हो रहा भाई ओपन। अरे हो जा ओपन प्लीज, प्लीज। पुलिस, फिर से पुलिस के लफड़े। पुलिस वाले कौन है? ओके पुलिस, नहीं पुलिस तो नहीं है, तो कौन है भाई? अबे फायर ब्रिगेड, अबे तुम लोगों को बुलाया किसी ने? अबे नहीं बुझानी आग भाई, मैं खुद आग लगा रहा हूँ। निकल भाई तू यहाँ से, निकल वापस, निकल, मैं बता रहा हूँ निकल ले यहाँ से। अबे यार क्या कर रहा है वो भाई? तू शांति से अपने फायर स्टेशन निकल, नहीं बुझानी है कोई आग नहीं। अरे भाई यो नहीं बुझानी है आग यार, मैं खुद लगा रहा हूँ अपने घर में आग, क्यों नहीं मान रहे? अबे तेरी ऐसी की तैसी, मैं खुद आग लगा रहा हूँ ना, हट यहाँ से, मैं खुद लगा रहा हूँ भाई, जा। बंदे मानते ही नहीं है भाई, ऐसे गिरा के भाग गया वो अपने। अरे मैं खुद डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ये फायर ब्रिगेड वालों को अब सबक सिखाना पड़ेगा। रुको इनमें बजाता हूँ मैं। कहाँ हो बे, तुम्हें बुलाया किसी ने? किधर हो? नहीं है कोई, भाग गए लगता है सारे। चलो फिर से अब हम लोग अपने मिशन को कंटिन्यू करते हैं। मिशन दरवाजा खोलो। ये कैसा मिशन है? खुल जा। अरे मैं अपने इस फालतू के मिशन में कामयाब भी होऊंगा कि नहीं? अगर कुछ नहीं मिला ना भाई उस दरवाजे के उस पार, मैं लिटरली मैं अपना घर उड़ा दूंगा। कोई बात होती है भाई? इतनी मेहनत कर रहा हूँ दरवाजे को ओपन करने के लिए, फिर भी लकड़ी का तो दरवाजा है, क्योंकि ये देखो जब भी मैं फायर करता हूँ ये देखो क्या टूट टूट के क्या गिर रहा है भाई, ये लकड़ियां ही तो गिर रही हैं टूट टूट के, लकड़ियों के हिस्से। इसका मतलब ये लकड़ी का है, शायद अंदर की साइड से लोहे का भी बना हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन ये टूट क्यों नहीं रहा? अरे टूट जा भाई प्लीज, प्लीज भाई मेरे टूट जा, क्या करके मानेगा अभी ये दरवाजा प्लीज। थका दिया भाई इसने मुझे अब बहुत बुरी तरीके से। ओपन हो जा ओपन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अबे खुल जा। ओके थक चुका हूँ मैं, कोई बात ही नहीं टूटना चाह रहा। अभी भी ऑप्शंस खत्म नहीं हुए हैं अपने पास। लास्ट ऑप्शन है ये स्टिकी बॉम्ब्स, जो कि मैं दरवाजे के बिल्कुल ही कॉर्नर पे लगाऊंगा, और इनसे तो मुझे पूरा यकीन है ये दरवाजा खुल ही जाएगा। एक काम करो भाई, तुम लोग जाकर यार फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यस जाओ गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वेलकन प्रेस करो, ताकि ये दरवाजा फटाफट से ओपन हो जाए। हो जा भाई प्लीज, प्लीज शांति से एकदम। ओके चारों तरफ लगा दिए मैंने, ये कितने बॉम्ब्स हो गए हैं? 3 स्टिकी बॉम्ब्स। अबे गायब कैसे हो रहे हैं इधर वाले? अरे एक सेकंड, जल्दी ब्लास्ट करना पड़ेगा वरना ये तो सारे गायब ही हो जाएंगे। ओके लेट मी हैव दिस, दूर चलते हैं थोड़ा सा। ओके ओके भाई कितना दूर आ गया मैं? हाँ इतना दूर ठीक है, चलो भाई लेट्स ब्लास्ट। यहाँ पर काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो रहे हैं एक साथ। दरवाजा नहीं खुला भाई, अरे ये नहीं खुलेगा क्या आज? अरे खुल जा प्लीज, क्या करके मानेगा ये दरवाजा? मैंने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, वैसे दरवाजा तो लकड़ी का ही है ना, अगर ये लकड़ी ही जल जाए तो है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ मोलोटोव्स का, ताकि इस लकड़ी को ही जला के राख बना सकूं और ये दरवाजा खुल जाए। उस दरवाजे का क्या कुत्ता बना दिया है मैंने, फिर भी वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर मैंने 15 बोतल मोलोटोव्स के फेंक दिए हैं, इस पे तो कोई असर नहीं हो रहा भाई, 20 फेंक दिए मैंने, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 25 बॉटल्स फेंक दी मोलोटोव्स की, फिर भी कोई फर्क नहीं, क्या ड्रामा है ये? रुको ग्रेनेड्स फेंकता हूँ मैं, एटलीस्ट ग्रेनेड्स पे तो कुछ फर्क पड़ेगा। भाई मेरे पास ही क्यों उड़ के आ रहा है? अरे बे यार कुछ हो भी रहा है ये, मैंने यहाँ पर 10 ग्रेनेड्स भी फेंक दिया गाइस, भाई नहीं हो रहा कुछ। ओए ओए ग्रेनेड मेरे पास आ गया, भागो। ओ भाई ओ तेरी,
बच गया। एक तो ये फायर ब्रिगेड वाले नहीं मान रहे। अबे तुम लोगों को बुलाया किसी ने? तुम्हारी ऐसी की तैसी, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, मैं भजा दूंगा तुम लोगों, मैं निकलो यहाँ से फटाफट। बुलाया नहीं है ना किसी ने भी, आ मत जाना दोबारा। जब ऐसे आग लगती है तभी ना बुलाओ, आते हैं नहीं टाइम पे। अभी देखो मैं खुद यहाँ पर ब्लास्ट कर रहा हूँ तब भी आ जा रहे हैं उठा के। ओके क्यों नहीं ओपन हो रहा ये? छोड़ो गाइस, बहुत हो गया ट्राई और बहुत मैंने कर ली है कोशिश, अब लगता है सबसे तगड़े हथियार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो सबसे तगड़ा हथियार लेने के लिए चलते हैं। सबसे पहले किसी की गाड़ी उठाते हैं रास्ते से। और कोई सा गाड़ी दो ए, कोई गाड़ी नहीं आ रही क्या? आ तो रही है भाई साहब, गाड़ी दो भाई साहब, टकले भाई साहब गाड़ी दो। चलो थैंक यू। तो अब इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं गाइस हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे, और अभी लेकर आने वाला हूँ मैं एक बुलडोजर। भाई बुलडोजर अच्छे खासे घर तोड़ देता है, या तो फिर भी एक दरवाजा है। चलो लेकर आते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था भाई, वहां तो कोई बुलडोजर मिला ही नहीं, सारे वहां पर लगे पड़े थे काम में। एक दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पे आया हूँ, लेट्स सी यहाँ पर बुलडोजर मुझे मिलता है कि नहीं। उम्मीद तो है मिल जाएगा। ओ यस, बुलडोजर है, वो भी दो दो में, एक वाइट कलर में। यार वाइट कलर का मैंने बुलडोजर आज तक नहीं देखा है। है भाई वाइट कलर का बुलडोजर, ये देखो। हमेशा मैंने ये जो पीले वाले हैं ऐसे ही देखे हैं हमेशा, व्हाइट कलर का तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक बंदा है यहाँ पर, जरा इससे पूछते हैं भाई ये व्हाइट वाले में क्या यूनिक है और क्या अलग है। भाई साहब जरा बताओगे ये व्हाइट वाला येलो वाले से अलग क्यों है? ओके गॉट इट। देखो गाइस येलो वाला जो बुलडोजर है वो नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल वाला बुलडोजर है, बेसिक वाला। लेकिन ये जो व्हाइट वाला बुलडोजर है ये थोड़ा नए टाइप का बुलडोजर है, एंड इस येलो वाले से पावरफुल है, वो भी शायद से डेढ़ गुना पावरफुल है। तो आई गेस हमें यही व्हाइट वाला ही बुलडोजर रेंट पे ले जाना चाहिए ताकि हम लोग उस दरवाजे को ओपन कर सके। बाकी ये किस बड़े से बुलडोजर का पार्ट लग रहा है भाई, ये तो क्रेन व्रेन का ही पार्ट होगा। जो भी हो मैं इस वाली गाड़ी को ले रहा हूँ, मतलब इस वाले बुलडोजर को ले रहा हूँ। व्हाइट कलर का है, स्ट्रांग है, एंड उस नॉर्मल वाले से, बेसिक वाले से डेढ़ गुना पावरफुल है। तो अब अपने को चाहिए क्या? हमें तो पावरफुल बुलडोजर ही चाहिए। हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं ये लेकर जा रहा हूँ। ओके चलो भाई, पेमेंट भी हो गई, अब बस हम लोग इस बुलडोजर को लेकर चलते हैं। मैंने एक दिन के लिए रेंट पे ले लिया है, यानी अभी कितने बज रहे हैं? अभी अगर टाइम देखा जाए तो लगभग 12 बज रहे हैं, यानी मैंने कल दोपहर के 12 बजे तक इस बुलडोजर को, व्हाइट कलर के बुलडोजर को रेंट पर ले लिया है। ओ यस, नॉर्मल वाले बुलडोजर से इसकी स्पीड भी अच्छी है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर, वरना वो तो 10 और 20 बस इतने के बीच में ही रह जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जरा चेकआउट करते हैं भाई, क्योंकि मैंने नहीं देखा। अगर मान लो ये बुलडोजर 100 की स्पीड में भागे, क्या मजा आ जाएगा यार। इसके जो व्हील्स है वो व्हील्स नहीं है भाई, टैंक की कैसे चेन्स होती है वैसी कुछ चेन्स है। एक सेकेंड, मैं टैंक भी तो ला सकता हूँ, क्योंकि टैंक की जो तोप होती है वो पावरफुल होती है किसी भी बुलेट, किसी भी आरपीजी वगैरह से। तो आई गेस टैंक से भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं यार उस दरवाजे को ओपन करने का। पहले इस बुलडोजर से ट्राई करते हैं, इससे अगर बात नहीं बनी तो हम लोग गाइस डेफिनेटली एक टैंक लाएंगे। बाकी इसके आगे वाले पार्ट को मैं तुम्हें कंट्रोल करके दिखाता हूँ। कोई गाड़ी वाड़ी है क्या? रुको, सामने की तरफ एक ब्लू कलर की एसयूवी है, तो जरा पलटता हूँ मैं इस बुलडोजर का यूज करके। हेलो भाई साहब, ओके पलट दी। ओ नहीं, सीधी हो गई। रुक जा, इस टैक्सी को पलटता हूँ। हेलो टैक्सी वाले भाई साहब, ये लो भाई साहब। ओ पलट दिया भाई, किसी वाले को पलट दिया। अरे सीधा भी मैंने ही कर दिया। चलो इसे लेकर चलते हैं उस दरवाजे, सीक्रेट दरवाजे को ओपन करते हैं। घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं फ्रंट से लेके नहीं जा सकता भाई इस बुलडोजर को, इतना छोटा सा गेट है, कहाँ से लेके जाऊँ मैं फ्रंट से? पीछे से घुमा के लाना पड़ेगा इसे, पीछे से इधर कहीं से। ओके और यहाँ से अभी चढ़ा देते हैं इसे आराम से। चलो चढ़ गया, बस आराम से। अरे चढ़ जा भाई बुलडोजर, तेरे नखरे बहुत बढ़ गए हैं, चढ़ जा। मुश्किल से ही सही, लेकिन आ ही गया मैं इस बुलडोजर को लेके। लेकिन चलाना कितना मुश्किल है यार इसको पहाड़ों पे। भाई पहाड़ों पे तो चलाना मुश्किल होगा ही, जब सड़क पे इसकी मैक्सिमम स्पीड ही 50 किलोमीटर पर आवर है। क्या ही उम्मीद कर सकते हो तुम लोग भाई इससे। चलो बस थोड़ा सा और, मेरे छाते वाते टूटेंगे भाई। टूट ही गया, लो बात करते करते एक टेबल भी आएगा टूट ही जाए, चेयर वगैरह भी सब टूट गया। कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो डोर तो ओपन होगा। चलो ओके, अरे ये तो बुलडोजर ही नहीं आ पा रहा है यहाँ तक। चलो भाई ये रहा बुलडोजर, ये रहा ये दरवाजा। कम ऑन लेट्स ओपन इट, कम ऑन ओपन हो जा। अरे यार एक तो ये बुलडोजर सीधा नहीं हो रहा है।
ओके 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 भाई नहीं, बुलडोजर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बेकार है बुलडोजर लाना, इसे वापस करके आना पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं हुआ इसे रेंट पे लाने का। एक तो ये बुलडोजर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है दरवाजे तक, और पहुंच के भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। छोड़ो इसे वापस से बाहर लेकर चलते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, इतना महंगा बुलडोजर लाया हूं मैं, भले ही रेंट पे लाया हूं लेकिन महंगा तो है ये, कुछ कुछ फायदा नहीं हुआ, रद्दी भर भी फायदा नहीं हुआ इसका। इसको ले जाके घर के आगे ही खड़ा कर देते हैं। बहुत हो गया बुलडोजर से ट्राई, अब जिस चीज के बारे में मैंने सोचा था उसको लाते हैं, टैंक। यस गाइस, मैं चला भाई मिलिट्री बेस से एक टैंक चुराने के लिए। आई नो ये काफी ज्यादा बड़ा रिस्क हो सकता है, बट करना तो पड़ेगा भाई, स्पोर्ट्स कार चाहिए, और अगर मेनली जानना है उस दरवाजे के पीछे क्या है तो आज मुझे ये रिस्क लेना ही होगा, और मुझे मिलिट्री बेस से एक टैंक चुरा के लाना ही होगा। तो चलते हैं गाइस फटाफट से इस वक्त मिलिट्री बेस एक चुराने के लिए टैंक, लेट्स गो। मिलिट्री बेस में आ रहा हूँ अपना टैंक, अपना नहीं मतलब तुम लोगों का टैंक लेने के लिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। वैसे तुम लोग खुश हो गए कि मैं अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेकर जा रहा, इसीलिए क्योंकि टैंक वहां से कौन लाएगा, फिर मैं ही लाऊंगा ऑब्वियसली, तो फिर मेरी गाड़ी कौन लाएगा, मेरी गाड़ी वहीं छूट जाएगी, और मेरी गाड़ी अगर वहां छूट गई तो मिलिट्री वाले मेरी गाड़ी देख लेंगे, गाड़ी देख लेंगे तो नंबर प्लेट से उन्हें पता चल जाएगा कि ये गाड़ी मेरी है, और सिमली में फंस जाऊंगा, जो कि मुझे नहीं करना है। मैं ये वाली गाड़ी लेकर जाऊंगा, इस गाड़ी को वहीं छोड़ दूंगा, और ये गाड़ी मैंने तो रास्ते से चुराई, किसी को क्या ही पता चल रहा है, इसीलिए ये एकदम ही सेफ ऑप्शन है। चलो चलते हैं अभी मिलिट्री बेस, टैंक उठा के लाते हैं और उस टैंक की तोप से ओपन करते हैं अपने घर के उस सीक्रेट डोर को, लेट्स गो। ऐसे गाइस अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये है अपना ब्यूटीफुल सा मिलिट्री बेस, हमेशा हमेशा इस वाले पहाड़ को देख के लगता है ये माउंट चिलियाड है, बट नहीं ये माउंट चिलियाड नहीं है भाई, ये माउंट चिलियाड के पीछे वाला माउंट है, मतलब पीछे वाला माउंटेन है, और ये अपना मिलिट्री बेस। गाड़ी से मैं उतरूंगा ही नहीं, गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे मिलिट्री बेस घूम के कोई टैंक उठाऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरी शक्ल देख ली तो भी गड़बड़ हो सकती है। चलो आ गए आ गए आ गए, मेन गेट से ही एंट्री लूँ क्या भाई, मैं उनका रिश्तेदार थोड़ी ना हूँ कि मेरे लिए शांति से गेट ओपन कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, कहीं और से एंट्री लेनी पड़ेगी, सेफली एंट्री लेनी पड़ेगी, ऐसी तो एंट्री मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, क्या लैंडिंग की है मैंने, लैंडिंग भी ऐसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। ओके चलो, किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, एटलीस्ट करूँ तो करूँ क्या भाई, टैंक लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आया हूँ मैं, टैंक के लिए पूरा मिलिट्री बेस स्टाफ के अंदर जाऊँ, यार एंट्री कहाँ से लूँ मैं, तो आज कंफ्यूज रखा हूँ, फ्रंट गेट से ही ले लेते हैं, जो पंगे होंगे देखे जाएंगे। चलो भाई चलो चलो चलो, लेकिन नहीं मैं एक काम करता हूँ, जो पीछे वाला जो झील है तालाब है वहाँ से एंट्री लेता हूँ, ऐसे भी काफ़ी दिन हो गए उधर से गए हुए। चलो 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 चलो, उधर से एंट्री लेते हैं, वो काफ़ी सेफ ऑप्शन होता है, और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि पुलिस वाले मिलिट्री वाले मुझे देख ही नहीं पाते हैं, और मैं मिलिट्री बेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर लेता हूँ और इन लोगों को पता भी नहीं चलता, तो हम लोग गाइस उसी तरीके का यूज़ करने वाले हैं। चलो यहाँ से सिंपली अपनी गाड़ी को राउंड एंड राउंड घुमाना है मिलिट्री बेस के, और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे उधर की तरफ, वो जो दलदल वाला इलाका है, दलदल खैर नहीं है बट हाँ वो देखने में दलदल जैसा ही लगता है, उस वाले इलाके की तरफ से एंट्री लूँगा मैं। अब तुम लोग सोचोगे वहाँ से गाड़ी कैसे चलेगी, चलेगी भाई देखते जाओ। ओके तो ये है अपना इलाका जहाँ से मैं हमेशा एंट्री लेता हूँ जब भी पंगे लेने होते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। चलो भाई रेडी, इस गाड़ी के अंदर बूस्टर है, यस ऑब्वियसली बूस्टर है, लेट्स गो लेट्स डू दिस, फुल स्पीड बूस्ट, नाइस नाइस नाइस, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया लैंडिंग, ओके कोई बात नहीं, छत पे ओके, आराम से बहुत ही प्यारी लैंडिंग हुई है, और किसी ने मुझे लगता है नोटिस भी नहीं किया यार। हेलो यार, मैं इतने चुपके से आ गया क्या भाई, यहाँ पर मिलिट्री वालों का एक ट्रक तो है, कोई मिलिट्री वालों का बंदा नहीं है क्या, मुझे नहीं लग रहा भाई किसी ने नोटिस भी नहीं किया है मुझे। अरे वाह यार, इतनी सेफली एंट्री तो मैंने आज तक नहीं ली मिलिट्री बेस के अंदर, क्या बात है। अब एक काम करते हैं, थोड़ी हाइट वाली जगह पर जाते हैं और वहां से देखते हैं कि आखिरकार मिलिट्री बेस के अंदर टैंक कहां पर है, जहां पर भी टैंक होगा उठा लेंगे और निकल लेंगे। फिलहाल अभी टैंक नहीं, टैंकर पे चढ़ रहा हूं मैं, बड़े से पानी का टैंकर है, इस पर गोलियां लगी है या फिर नट बोल्ट है, अच्छा नट बोल्ट है। हाँ अब यहाँ से ज़रा देखते हैं मिलिट्री बेस के अंदर टैंक कहाँ पर है, वेट लेट मी सर्च अबाउट द टैंक। अबे इतना बड़ा मिलिट्री बेस है, एक टैंक नहीं नज़र आ रहा है, हद होती है भाई सीरियसली में। नहीं, गड़बड़ हो गई, फोर स्टार की पुलिस लग गई अपने पीछे, मतलब पुलिस क्या मिलिट्री बेस में हो तो मिलिट्री बेस वाले ही पीटेंगे मुझे, भागो। एक सेकंड, ये तो अपने फायदा हुआ ना भाई, मिलिट्री वाले अगर मेरे को पकड़ने के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली वो टैंक भी लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे,
जीप तो दिख रही है एक, पता नहीं यार टैंक लेकर आएंगे कि नहीं ये लोग। अगर नहीं लेकर आए तो भागना पड़ेगा मुझे, जल्द से जल्द भागने का भी जुगाड़ कर लेना चाहिए। देखो भागने के लिए मैं क्या करूंगा, गाड़ी लेके भाग लूंगा, लेकिन नहीं मैं टैंक लेके ही जाऊंगा आज। टैंक दूर दूर तक नजर तो नहीं आ रहा है यार। अब मिलिट्री बेस वालों मेरे को पीटने आए हो, एटलीस्ट टैंक तो लेकर आओ, इतनी तो रिस्पेक्ट करो मेरी। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी मार्केट में, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। अरे गिर गया। बताओ भाई ये लोग आए भी है मेरे को पकड़ने के लिए पीटने के लिए, लेकिन एक एक टैंक नहीं लेकर आए ये। अरे यार जीप ही जीप नजर आ रही है और वो लोग तो सीधे गोलियां ही बरसाएंगे। मैं इनसे पंगे नहीं लेना चाहता, क्योंकि भाई कौन ही लेगा पंगे मिलिट्री बेस में घुस के सीधे मिलिट्री वालों से, इतनी हिम्मत किस में है। मैं बस यहाँ पर एक टैंक लेने के लिए आया था, मिल ही नहीं रहा है मिलिट्री टैंक, सिर्फ जीप लेकर आ गए हैं भाई मेरे को पीटने के लिए ये लोग। अरे कोई सा टैंक लेकर आ जाओ, वो देखो वहाँ पर एक ट्रक लेकर आया है बड़ी मुश्किल से। अरे टैंक नहीं है तुम लोग पास, अरे प्लीज भाइयों एक टैंक लेके आ जाओ बस। ओके पीछे से आ रहे हैं क्या ये बंदे, इतना तो है आ रहे हैं। ओके 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 इधर निकल लो भाई, इधर से इधर निकल लो भाई। ओके 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 उसने देख लिया मुझे, शॉटगन चला रहा है वो। अरे टैंक नहीं है क्या, ट्रक है जीप है लेकिन टैंक नहीं है। नहीं है भाई टैंक नहीं है यहाँ पे, मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा किसी वेयर हाउस वगैरह में। अरे अरे गोलियां पड़ रही है, बहुत ज्यादा गोलियां पड़ रही है, भागो भागो भागो। टैंक है क्या, टैंक 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 टैंक। अरे क्यों नहीं है टैंक, कहीं भी नहीं है टैंक, आखिरकार क्यों नहीं है टैंक। ओके नहीं है इधर तो नहीं है डेफिनेटली। ओके ओ मिल गया, ओ मिल गया, ओ दिख गया मुझे टैंक दिख गया। सामने की तरफ देखो गाइस, बिल्कुल सीधे सामने फ्रंट में हमारे वहां पर एक बहुत ही एपिक सा टैंक है। आजू बाजू कोई दूसरे टैंक भी नहीं है कि वो तोप चला दे मेरे ऊपर। बढ़िया बढ़िया, अब मुझे बस अपने दरवाजे को ओपन करना है, मतलब अपने घर के सीक्रेट दरवाजे को ओपन करना है और बस बस भाई मामला सेट है अपना। आई एम सॉरी, हट जाओ प्लीज हट जाओ, प्लीज हट जाओ। अरे अब आ गया टैंक, कहाँ से आ गए इतने सारे टैंक। अरे अब इधर से भी टैंक आ गया, अब मेरे पास टैंक आया था, इन लोगों के पास टैंक कहाँ से आ गया। तुम्हारी ऐसी ली निकल। ओके उस टैंक को तो उड़ा दिया, उसको भी उड़ा दें, रुक जाओ चलो वो भी निकल लिया। हाय साहब अभी एक टैंक नहीं था, अभी देखो कितने सारे टैंक आ गए, कोई बात होती है। ये ले टैंक वाले बेटा, दो गोलियां मारी है मैंने इस पे, ये तीसरी और ये चौथी पांचवी तीन चार पांच गोलियों में आए गए, उड़ जा रहे हैं। देखो ये पहला फायर, ये दूसरा फायर, ये तीसरा फायर, और ये तो तीन में ही उड़ गया लगता है, ऑलरेडी डैमेज था काफी। चलो जल्दी यही मौका है, भागो भागो भागो। अरे कहाँ टक गया अब ये टैंक, कहाँ टक गया डिवाइडर पे, भागो भागो भागो। पुलिस वालों से जान बचाओ पहले, फिर अपने डोर को ओपन करने के बारे में सोचेंगे। भाई साहब टैंक की तोप देखो कितनी पावरफुल होती है, लेट्स गो फायर। ये देखो इसकी तो यही काफी पावरफुल है, इसके जो आगे का ये नोजल है यही देखो भाई, इसका ही फटका देखो कितना जोरदार है। ये जीप है पीछे, ओ जीप बच रही है, लो गई जीप भी। निकलो ना यार निकलो भाई, मेरे को बस अपने घर का एक दरवाजा ओपन करना है। क्यों पंगे ले रहे हो मेरे से, क्यों आखिरकार क्यों पंगे चाहिए तुम्हें। फटाफट से गाइस पुलिस वालों से एस्केप करते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपना घर ओपन करने के लिए। छोड़ दो पुलिस वालों, मिलिट्री वालों छोड़ दो मेरा पीछा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज लीव मी अलोन। अरे छोड़ दो भाई प्लीज, बड़ी मुश्किल से यार पुलिस वालों से पीछा छुड़ाया है, झाड़ियों में छुप छुप के पीछा छुड़ाया है, बट एटलीस्ट पीछा तो उन लोगों ने छोड़ दिया मेरा। पुलिस वाले थोड़े थोड़े तो अच्छे हैं यार यहाँ के। आ रहा हूँ मैं मेरे सीक्रेट दरवाजे, इसकी तोप से भाई कोई नहीं बच सकता, मैं बता रहा हूँ। कुछ भी हो आगे पीछे सब तोड़ देगा ये। ये टैंक होते इतने पावरफुल है, जरा कहीं पर एक छोटी सी टेस्टिंग हो जाए। छोड़ो यार मेरे को नहीं टेस्टिंग करनी है, पता चला टैंक की आवाज़ सुन के पुलिस वाले यहीं आ गए और टैंक ले गए। कम से कम एक बार मैं अपना सीक्रेट गेट खोल लूँ, उसके बाद जितने मर्जी पुलिस वाले आते रहें और जो उन्हें करना है वो करते रहें। चलो पीछे से एंट्री लेते हैं अपने घर के। भाई ये वैसे टैंक जहाँ जहाँ जाता है देख रहे तुम लोग, टायर के निशान बनते चले जाते हैं। वैसे टैंक टायर है नहीं, बट जो भी चेन्स हैं के निशान बने लग जाते हैं। ओके कम ऑन टैंक, ओके नाइस कम ऑन टैंक। वैसे बुलडोजर से काफी पावरफुल है टैंक, क्या ही कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं भी, कहाँ बुलडोजर और कहाँ ये टैंक। ओके फाइनली अब तो वो दरवाजा गया भाई, अब तो वो दरवाजा गया, सच में गया अब तो। ओके अटक गया, अब टैंक ही अटक गया मेरा। ओके फुल स्पीड,
कम ऑन, नाइस नाइस नाइस। अब फिर अटक गया ये, क्या हो रहा है यार, ये टैंक अटक क्यों रहा है? ओ नहीं 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 नहीं, उछल कैसे गया ये? अरे यार बात नहीं बनेगी, इतनी मेहनत करके टैंक लाया हूँ, मेरे को एक बार गेट ओपन कर लेने तो भाइयों। चलो चलो आ गया, क्या फूटा भाई इधर, नीचे कुछ तो फट गया, सिलेंडर था शायद अपने बारबेक्यू का। ये रहा दरवाजा, कम ऑन लेट्स गो फायर। ओ भाई साहब, इससे तो पक्का ओपन है भाई ये दरवाजा। फायर 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 फायर, करते रहो भाई करते रहो, जब तक खुले ना, करते रहो करते रहो करते रहो, आज तो ये ओपन हो ही जाएगा। इनफाइनाइट है गाइस, इस तोप के अंदर गोलियां इनफाइनाइट है, ये खुल ही जाएगा दरवाजा, शायद खुल भी गया है। फायर फायर, ओपन प्लीज ओपन प्लीज ओपन, वेट वेट, वो खुला है लगता है, वो खुल गया क्या फाइनली? हेलो, यस गाइस, ये दरवाजा फाइनली ओपन हो चुका है। दिल में धक धक हो रही है बहुत ज्यादा, 3-4 साल से मैं इस घर में रह रहा हूँ और आज ये दरवाजा फाइनली ओपन हुआ है। डर लग रहा भाई अंदर जाने में, लेकिन इतनी मेहनत की है, चलते अंदर मजा आएगा। लेट्स एक्सप्लोर गाइस, आखिरकार इस हिडन दरवाजे के अंदर जो कि इतने सालों से हिडन एंड सीक्रेट रहा है, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट्स इनसाइड। भाई साहब क्या है ये, कितने लेयर के दरवाजे लगे पड़े हैं। फिलहाल अंदर तो आ चुका हूँ मैं और मेरे को एक यकीन नहीं हो रहा है, इसके जस्ट बाहर मेरा घर है और अंदर से कुछ ऐसा है गाइस। ये भाई कितने मोटे दरवाजे हैं ये। ओके आ तो गया हूँ, अब जरा पहली नजर घुमा के देखते हैं इधर का कैसा व्यू है। टनल 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 भाई टनल, मेरे घर के बगल में वो जो सीक्रेट दरवाजा 4 सालों से बंद है उसके अंदर टनल है। क्या टनल है, ये किस चीज की पाइपलाइन है? ये तो पानी वाली पाइपलाइन लग रही है। हाँ पानी वाली पाइपलाइन है भाई, एक ऑब्वियसली पानी वाली होगी और एक शायद बिजली बिजली नहीं तो बिजली तो हमारे खंबे से आती है, फिर कैसी पाइपलाइन है पता नहीं भाई। क्या है ये दरवाजा, फिलहाल 3-4 साल बाद ओपन हुआ है, जिसका ये घर था पहले उसने ये सब बनवाया होगा, उसने मुझे बेच दिया 25 करोड़ में, तब से ये घर बस ऐसा ही है। कोई देखने भी नहीं आया है यहाँ पर इस जगह को, लाइट जल रही है बताओ यहाँ पर, एक्सप्लोर करते हैं गिर विर ना जाए ये जगह बताओ। ये पूरी जमीन रोड के नीचे है, ऊपर ऊपर रोड है भाई, भाई लाइट यहाँ तक अभी तक पहुँच रही है क्या, इन पाइप्स के अंदर है क्या, शूट करके देखो क्या यार, पंगे नहीं लेने चाहिए ऐसे तो मैं बता। ओ नहीं भाई, ओ तेरी कैसी पाइप है भाई, बुलेट प्रूफ है क्या ये? लिटरली में ये पाइप्स बुलेट प्रूफ है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई इन पाइप्स को तो। अरे लेकिन मैं आग क्यों लगा रहा हूँ अपने घर के नीचे ही? नहीं 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 प्लीज नहीं, ओए आग फैलती जा रही है, ओ क्या कर दिया मैंने, नहीं 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 नहीं, मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी है, रुको 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 प्लीज 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 प्लीज, रुक जाओ 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 रुक जाओ। ओके ओके मेरे घर के नीचे, नहीं 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 नहीं, आग आग बुझा 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 प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके बुझा दिया भाई। ओह पंगे नहीं करने चाहिए, मान लो ये पूरी जमीन ही नीचे गिर गई जल भुन के, क्या मेरा घर भी जल वल जाए तो? नहीं नहीं गाइस पंगे नहीं ले सकते इधर तो। फिलहाल इस पाइप को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हम लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी नहीं करने वाले हैं, क्या जरूरत है करने की, अभी तो बस एक्सप्लोर करते हैं ये सब है क्या। ये पाइप्स वो वाले हैं जिन पाइप्स को जोड़ जोड़ के नहीं घर बनाया जाता है, वही वाले पाइप्स यहाँ पे लगे हुए ही छूट गए हैं। क्या ही है भाई ये देखो, पूरी पटरियाँ सी बिछी पड़ी हैं। अरे आगे कितना लंबा है ये टनल, आगे चलता ही चला जा रहा है भाई। लाइट्स बताओ अभी तक जल रही हैं, क्या बात है। ओके यहाँ पर एक जनरेटर भी है, शायद जो जिसका ये घर था उसका ही होगा, और ये बैटरी है एक, जनरेटर बैटरी, क्या है ये सब, ये क्या है ये क्या है, गोल्ड भाई गोल्ड, गोल्ड ही है असली है, यकीन सा तो नहीं हो रहा, लेट मी चेक दिस, असली लग रहा है, लग क्या रहा है असली है भाई ये, अरे इसका मतलब गोल्ड, अरे खजाना मिल गया मुझे मेरे घर के बगल में ही, ये 4 सालों से खजाना यहीं पड़ा हुआ था और मेरे को पता भी नहीं था, मैं 4 सालों से ऐसे ही रह रहा हूँ इस घर में। अरे वाह मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, खजाना मिल गया खजाना मिल गया, ये तो बहुत सारा है यार, ये तो कम से कम नहीं भी मान के चलो इतना कम से कम 50 करोड़ और इतना कम से कम 100 करोड़ का तो होगा, ये तो 15 करोड़ में स्पोर्ट्स कार तो बनती है, स्पोर्ट्स कार तो बनती है। सारे खजाने को लेकर चलते हैं बाहर और धीरे धीरे करके बेकेंगे, बट फिलहाल अभी से बेक कर मैं लाता हूँ 15 करोड़ और वो 15 करोड़ लेकर चलते हैं गाइस साइमन के शोरूम पर। ओके मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, वैसे तुम लोग सोच रहे हो गाइस कि मैं तो खजाने से कार लेने जाने वाला था, ये बुलडोजर कहाँ लेके घूम रहा हूँ,
एक्चुअली मैं घर से इस बुलडोजर को ही लेकर आया हूँ। मैंने सोचा यार इसको वापस करना ही है तो इसको दे ही देते हैं। और फिर इस बुलडोजर को रख के साइमन के वैसे भी शोरूम पास में ही है, यहाँ से पैदल ही चल के और अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर आएंगे। चलो फिर चलते हैं। साइमन मेरे दोस्त, ये देखो भाई, इसने इस बार स्पोर्ट्स क्लासिक कार्स को भी बेचने का फैसला किया है लगता है। फिलहाल ये है वो स्पोर्ट्स कार जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी भाई आज सुबह, लेकिन 15 करोड़ बोल रहा था ये साइमन का बच्चा। साइमन भाई 15 करोड़ तेरे मुंह पे मार देता अगर मेरे पास कैश में होते तो, लेकिन फिलहाल मैं तुझे फोन से देने वाला हूँ, ले तेरे 15 करोड़। टकले को दे दिया 15 करोड़। अब ये गाड़ी जो है हुई मेरी। इतना छाया कैसे हो गया भाई, क्या है हमारे सर के ऊपर? वो प्लेन जा रहा है क्या? अच्छा ब्लिम्प जा रहा होगा, वो बड़ा सा गुब्बारा। कहाँ है वो ब्लिम्प? दिख नहीं रहा है यार, लगता है मेरे ठीक सर के ऊपर है वो। रहा देखो भाई, ब्लिम्प जा रहा है ऊपर की तरफ, मैं कह रहा हूँ उसी की परछाई है। ओके अब देखो जरा ये स्पोर्ट्स को भाई साहब, इसकी स्पीड एंड हैंडलिंग का मैं फैन हो गया था भाई, क्योंकि मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी ना इसकी। बहुत ही अच्छी हैंडलिंग है इसकी और बहुत ही अच्छी स्पीड है, और ड्रिफ्ट भी बहुत ही अच्छी है, और ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, स्ट्रांग भी है काफी गाड़ी। इसीलिए मैं खरीदने की सोच रहा था, लेकिन पैसे नहीं थे और अपनी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर मैंने वो सीक्रेट दरवाजा खोला और वहां से मुझे 100 करोड़ मिल गए। मैं सारा गोल्ड बेचूंगा नहीं भाई, बचा के रखूंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तभी निकालेंगे। फिलहाल तो इस स्पोर्ट्स कार को लेकर चलते हैं घर। बाकी आज की वीडियो तुम लोगों को गाइस बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।